जादुई कागज का घर। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी गांव के सब घरों में घुस जाता है और गांव के लोग घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। ठाकुर की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, मगर सोना का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। वो बाढ़ के पानी पर तैरने वाला जादुई घर बन जाता है। ये कहानी है कागज के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब सोना की। सोना अपने पति अमर और बेटी लता के साथ दीपालपुर गांव में रहती थी। वो रंग बिरंगे कागज से तरह तरह के खिलौने बनाकर गांव के बाजार में बेचती थी। लो भाई, आ गई सोना, कागज के खिलौने वाली सोना। कागज की नैया, कागज का सिपहिया, कागज का घर, कागज के फूल, जो अच्छा लगे खरीद लो। ए सोना, ये कागज का फिरकी और नैया कितने का दिया बहन? ना कम ना ज्यादा, सब मिलके 50-50 रुपया। कहो तो दूं? हाँ, ये दे दो। सोना कागज के ऐसे सुंदर खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी, और इसीलिए उसके खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। हेलो, बिक गया सब माल, आज तो अच्छी कमाई हो गई। एक दिन सोना बाजार में खिलौने बेच रही थी कि तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से सोना का पति अमर और दो महिलाएं बाहर आती हैं। सोना, ये दोनों तुमसे मिलना चाहती हैं। देखिए, मेरा नाम नेहा है, हमारा कागज के खिलौने का कारोबार है। हमने सुना है कि आपके गांव में कई महिलाएं कागज के खिलौने बनाती हैं, इसीलिए हम आपके गांव में कागज के खिलौने बनाने की एक छोटी सी प्रतियोगिता रखने जा रही है। उस प्रतियोगिता में जो महिला प्रथम आएगी उसे हमारी तरफ से 1,00,000 का इनाम मिलेगा और उसके बनाए सब खिलौने हम खरीदेंगे भी। ये सुनकर सोना बहुत खुश होती है और उन महिलाओं से कहती है, पर इससे आमदनी कितना होगी मेम साहब? पूरा महीना खिलौने बनाओगी तो समझो 1,00,000 भर की कमाई हो जाएगी आपकी। सोना के बगल में ही छन्नो नाम की एक अन्य महिला भी कागज के खिलौने बनाकर बेचती थी। 1,00,000 रुपए की बात कान में घुसते ही छन्नो का चेहरा खिल उठता है। 1,00,000 रुपया की कमाई तो अब छन्नो का ही होएगा, आखिर हमारा बलम किस दिन काम आवेगा रे। छन्नो का पति रघु गांव के दबंग जमींदार ठाकुर कुंदन सिंह का खास लठैत था और गांव में वही होता था जो ठाकुर चाहता था। इसीलिए छन्नो रघु को सारी बात बताते हुए कहती है, देख लो बलम जी, जो हर महीने 1,00,000 की कमाई चाहिए तो हमारा साथ तो देना ही पड़ेगा। हाँ, पर मैं क्या साथ दे सकता हूँ? अरे हमरे नादान बलम जी, का इतना भी नहीं समझते? ओ सोना से बढ़िया खिलौना तो पूरे गांव का कोई भी महिला नहीं बना सकत है। फिर ओ ई प्रतियोगिता में भाग लेगी तो हमरा नंबर कहाँ से आएगा जी? तो ये बात है, फिर ठाकुर किस मर्ज की दवा है, समझो सोना तो गई काम से। रघु ठाकुर कुंदन सिंह को इस बारे में बताता है और उनकी खुशामद करते हुए कहता है, देख लो मालिक, ये तो तभी हो सकता है जब वो सोना प्रतियोगिता में हिस्सा ना ले। 2,50,000 का एक मारूं? सुन रघु, तू मेरा खास आदमी है, समझ ले तेरा काम बन गया। वो सोना तो क्या, उसका बाप भी इस कंटेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएगा। आ चल मेरे साथ। ये कहकर ठाकुर कुंदन सिंह रघु और अपने कुछ और आदमियों के साथ गाड़ी में सवार होकर सोना के घर जा पहुँचता है। अरे ठाकुर साहब, आप कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते मालिक। 2,50,000 का एक मारूं? अबे तेरी जोरू कहाँ है बे, बुलाओ से। पर वो तो घर पर नहीं है मालिक। 2,50,000 का एक मारूं? तो सुन बे, उसको समझा देना अगर उसने कागज के खिलौने बनाने वाले कंटेस्ट में भाग लिया तो भाग्य फोड़ दूंगा तुम्हारे, घर जला दूंगा और गांव से निकाल दूंगा। अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा मालिक, यही होगा। सोना हिम्मत और हौसला रखने वाली औरत थी, इसीलिए जब अमर उसे इस बारे में बताता है तो वो ठाकुर से डरने के बजाय उसका विरोध करने पर उतर आती है। हम क्या ठाकुर का दिया खाते हैं जो उसकी धमकी से डरे? मैं उस कॉम्पिटिशन में जरूर भाग लूंगी। हाँ मान जाओ सोना, ठाकुर का कहर हमसे बर्दाश्त ना होगा। आप चिंता नहीं कीजिए जी, कुछ नहीं कर सकेगा वो ठाकुर हमारा। अमर सोना को बार बार मना करता है मगर वो फिर भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले ही लेती है।
और प्रथम स्थान पर आती है। हमें आपके बनाए पेपर टॉय बहुत पसंद आए सोना जी, इसीलिए अब आप हमारे लिए खिलौने बनाएंगी और ये रहा 1 लाख का इनाम, बधाई हो। ठाकुर को जब इस बात का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है, वो सोना से दुश्मनी करने लगता है। 2.5 किलो का एक मारो, हमारे मना करने पर भी ना मानी, इतना बुरा हश्र करूंगा कि रूह कांप जाएगी। चलो बे, गाड़ी निकालो। इससे पहले कि ठाकुर की गाड़ी अमर के घर पर पहुंच पाती, हरिया भागता हुआ आता है। अमर बेटा, जान बचानी है तो भाग लो, ठाकुर तुम पर कहर बरपाने के लिए आने ही वाला है। अब हम क्या डरते हैं ठाकुर से जो भाग कर छिप जाएं? बस अब चुप कर और हरिया के घर चल, वरना ठाकुर हम सबको मार डालेगा। हरिया और अमर के समझाने पर सोना उनके साथ जाने को मान जाती है और तभी ठाकुर वहाँ आ पहुँचता है। 2.5 किलो का एक मारो, कहाँ मर गया बे अमर, बाहर आ। मालिक, लगता है हमारे आने से पहले कहीं जा छिपा। 2.5 किलो का एक मारो तो फिर देखते क्या हो बे, आग लगा दो घर में। ठाकुर के ये कहते ही उसके आदमी अमर के घर में आग लगा देते हैं और अमर के वापस लौटने से पहले ही घर जलकर राख हो जाता है। जालिमों ने घर को जलाकर राख कर दिया। पर शुक्र भगवान का कि हम तो जिंदा है ना सोना, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। अमर की ये बात सुनकर सोना में न जाने कहां से इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास आता है कि वो शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहती है, कहीं नहीं जाएंगे हम, यहीं इसी गांव में बसकर दिखाएंगे, उस जालिम ठाकुर के सामने रहेंगे हम। हाँ, इस हादसे के बाद अमर का परिवार गांव के बाहर आकर डेरा डाल लेता है। एक दिन सोना गांव से खाना लेकर आती है तो रास्ते में उसे एक भूख का सताया कोढ़ी मिल जाता है। एह, एह, एह। का हुआ, भूखे हो? बोलो भाई, खाना चाहिए? एह, एह, एह। सोना को उस पर दया आ जाती है और वो जैसे ही उसको खाना देने लगती है, अचानक ही उसकी नजर कोढ़ी के हाथों पर पड़ती है। उसके दोनों हाथ कोढ़ से गल सड़ गए थे और वो खुद खाना खाने में लाचार था। ये देख सोना खुद से कहती है, कितनी तकलीफ में है, खुद खा ही नहीं सकता और कोई खिलाएगा नहीं तो भूख से तड़प कर मर जाएगा, क्या करूं? क्यों ना मैं इसे अपने हाथों से खाना खिला दूं? हाँ, यही सोचकर सोना उस कोढ़ी को खाना खिलाने लगती है और फिर जैसे ही वो उसे खाना खिलाती है, कोढ़ी तुरंत एक अलौकिक युवक में बदल जाता है और सोना से कहता है, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ सोना, मैं तुम्हारी दुख तकलीफ से वाकिफ हूँ, मैं तो बस तुम्हारी दयालुता और इंसानियत की परीक्षा लेना चाहता था और मैंने ये समझा कि जो इंसान किसी कौड़ी से घृणा या नफरत किए बिना उसे अपने हाथों से खाना खिलाने को तैयार हो जाए, भला उसके हाथ ईश्वर के हाथों से कम कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर सोना के मन को खुशी मिलती है और वो फिर से चलने लगती है, मगर तभी वो युवक कहता है, सुनो, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना, आज से तुम्हारे हाथों में वो जादू होगा कि तुम अपने मन में जो भी सोचकर किसी कागज को छुओगी वो कागज वैसा ही बन जाएगा। ये कहकर वो अलौकिक युवक अदृश्य हो जाता है और सोना खुशी से फूली नहीं समाती, वो इधर उधर से ढेर सारे कागज इकट्ठे करने में लग जाती है। सोना, तुम इतने सारे कागज क्यों इकट्ठा कर रही हो? हम इनसे अपना घर बनाएंगे जी, कागज का आलीशान घर। ये सुनकर अमर हैरानी में पड़ जाता है और सोना से कहता है, अरे ये क्या पागलपन सवार हो गया तुम पर, भला कागज का घर तो पानी में गल सकता है, आग में जल सकता है और आंधी तूफान में उसके परखच्चे उड़ सकते हैं। आप देखते जाओ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर सोना दिन रात कागज का घर बनाने में लगी रहती है और एक आलीशान घर बना ही लेती है। फिर घर में लगे कागज को छूकर मन ही मन कहती है, ये कागज लोहे से भी मजबूत हो जाए बस। सोना के ये कहते ही घर में लगा कागज लोहे से भी मजबूत हो जाता है। सोना अमर से कहती है, अब आप इस घर में लगे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा ही उखाड़ या फाड़ कर दिखा दो तो आपको मान जाऊंगी मैं। हाँ, सोना के ये कहने पर अमर बहुत कोशिश करता है मगर कागज का जरा सा टुकड़ा भी उखाड़ या फाड़ नहीं पाता। कमाल है, ये कागज तो लोहे से भी मजबूत है, पर ये जादू हुआ कैसे? अमर के ये कहने पर सोना उसे सारी सच्चाई बता देती है और फिर जो भी उनके कागज के घर को देखता है हैरान रह जाता है।
अरे देखो देखो, सोना का कागज का बना घर तो कितना आलीशान है। दया, इसका आगे तो बड़ा बड़ा कोठी बंगला भी फेल हो जाए। कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी गांव के सब घरों में घुस जाता है और गांव के लोग घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। ठाकुर की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, मगर सोना का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। वो बाढ़ के पानी पर तैरने वाला जादुई घर बन जाता है। अबे जल्दी से कुछ करो, वरना हम सब बाढ़ में डूब कर मर जाएंगे। मालिक, पूरे गांव में एक सोना का कागज का घर ही है जो आपको बाढ़ से बचा सकता है। जल्दी सवा चलो। ठाकुर जैसे तैसे करके सोना के कागज के घर में पहुंचता है और सोना से माफी मांगते हुए कहता है, हमें माफ कर दो सोना, और हमें और हमारे परिवार को बाढ़ से बचा लो। आप सब अंदर आ जाइए ठाकुर साहब। कुछ दिन बाद बाढ़ का पानी उतर जाता है और उसके साथ ही ठाकुर का घमंड भी टूट जाता है। वो सोना से कहता है, अगर हमारे गांव में सबके पास ऐसे कागज के घर हो तो बाढ़ में सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्या तुम हम सबके लिए कागज के घर बना सकती हो? सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सुनकर सोना और सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर कागज के घर बनाने में सोना की मदद करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सबके घर बन जाते हैं और फिर दीपालपुर कागज के घरों वाला एक नया गांव बन जाता है।